देश का दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो एक दूसरे को क्रॉस करा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो WDFCQ को क्रॉस है, टोटल 12 लाइन का एक्वायर करके बनाया गया है। हालांकि यहां पे जमीन अधिग्रहण किया गया, फ्यूचर में अगर इसको 20 लाइन बनाने की जरूरत आन पड़ी तो इसको आसानी से बनाया जा सकता। हेलो दोस्तों, मैं बीके से स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिलहाल जो उपस्थित हो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, जी हाँ, गजब नज़ारा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, वही गांव जो हिलालपुर जहाँ पे ऐसा डेवलप का प्रोजेक्ट है। तो ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आपको दिखाते हैं पूरा ओवरव्यू कितना काम हो चुका है। यहाँ पे पूरा लगभग फाइनल कार्य हो चुका है, तो आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि मैंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर उपस्थित हूँ और ये जो गांव है सामने हिलालपुर गांव है, इसी गांव का अपने पास प्रोजेक्ट है जो 160 एकड़ का प्रोजेक्ट है और यहां पे मिल जाता है रोड, बिजली, पानी, पार्क, मंदिर, सब कुछ सुविधा मिल जाता है और रेट जो है मात्र 5500 रुपये प्रति गज, जी हाँ। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के डिस्टेंस की बात किया जाए तो मात्र 500 मीटर दूरी पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मिल जाता है। सामने आपको देख रहे हैं कॉन्क्रीट का जो पार्ट बन रहा है, यहाँ पे बन रहा 32 लाइन का टोल प्लाजा, जी हाँ। और इसके साथ में दिया जाएगा वे साइड अम्यूनिटीज़ जिसपे आपको होटल, रेस्टोरेंट, हर एक तरीके की सुविधा होगा जो आप सफ़र में चाहिए, आप सभी को जो सफ़र में ज़रूरत पड़ती है। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सोहना टू दौसा का पार्ट है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जैसे ही आते हैं अलीपुर इंटरचेंज पॉइंट से, तो अलीपुर इंटरचेंज पॉइंट से जैसे आते फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड क्रॉस करके वहाँ पे बना जा रहा इंटरचेंज पॉइंट। और यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ना क्रेन जो लगा हुआ, यहाँ से क्रॉस कर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जी हाँ, देश का दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो WDFCQ को क्रॉस कर रहा है और WDFC और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिल जाएगा ये लाइन मिल जाएगा जो स्टॉप के लिए होगा, रुक सकते हैं, और ये 4 लाइन का जो मिल जाएगा जो ये रहा, और उस तरफ भी सेम, फिलहाल इसको 8 लाइन का बनाया जा रहा है और फ्यूचर में इसको मतलब 6 लाइन का यानी 12 लाइन का टोटल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। जो कंक्रीट का पार्ट देख रहे हैं टोटल 12 लाइन का बनाया गया है, देख पा रहे होंगे ये लाइन हो गया और ये इसको ये कंक्रीट का जो पार्ट है टोटल 12 लाइन का एक्वायर करके बनाया गया है। हालांकि यहाँ पे जमीन अधिग्रहण किया गया, फ्यूचर में अगर इसको 20 लाइन बनाने की जरूरत आन पड़ी तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ये रहा हिलालपुर, ये मंदिर है ना, ये हिलालपुर गांव का, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में।